नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट निष्ठा वर्ष 2020-21 के प्रशिक्षण में आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत है। इस प्रशिक्षण के मॉड्यूल विद्यालय आधारित आकलन के प्रकरण रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करना तथा मुख्य संसाधन व्यक्तियों को सौंपे जाने वाले कार्यों के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। प्रशिक्षण के प्रतिफल। इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने के उपरांत शिक्षक आकलन के प्रतिफलों के विषय में जान सकेंगे, आकलन और श्रेणीकरण में अंतर के बारे में जान सकेंगे, शिक्षक विद्यार्थी पर आकलन के व्यापक प्रभाव के बारे में जान सकेंगे, शिक्षक विद्यार्थी के आकलन का विवरण इस प्रकार अंकित करने में सक्षम होंगे कि विद्यार्थी का विवरण विद्यार्थी को प्रेरित कर सके तथा विद्यार्थी को विश्वास दिलाए कि वह और बेहतर कर सकता है। शिक्षक भयमुक्त वातावरण के सृजन और शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गतिविधि के साथ कर सकने में सक्षम होंगे। शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी कक्षा का संचालन करने में सक्षम होंगे। विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षण अधिगम और आकलन को एकीकृत करता है। शिक्षक कक्षा में विद्यार्थी का आकलन इस प्रकार करते हैं कि वह विद्यार्थी के अधिगम स्तर की वृद्धि करने में सहायक होता है। इस प्रकार विद्यालय आधारित आकलन और विद्यार्थी के अधिगम स्तर में वृद्धि एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। शिक्षकों पर प्रलेखन, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग का कोई भार न होना। परंपरागत परीक्षा के उपरांत शिक्षकों का बहुत अधिक समय परिणामों का प्रलेखन करने, उनकी रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करने में व्यतीत हो जाता है। यह प्रक्रिया कभी कभी उबाऊ हो जाती है और शिक्षक इसको मशीनी ढंग से करने लगते हैं। विद्यालय आधारित आकलन के क्रम में प्रलेखन, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के पक्ष पर अधिक जोर नहीं देता है। विषय वस्तु याद रखने के बजाय विद्यार्थी में अधिगम प्रतिफल आधारित योग्यता के विकास पर ध्यान देना। शिक्षक साथियों, परंपरागत परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में विषय वस्तु के ज्ञान की परख करना है, परंतु विद्यालय आधारित आकलन विद्यार्थियों में व्यक्तिगत योग्यता के विकास पर जोर देता है। स्व आकलन और साथियों के द्वारा आकलन के साथ साथ शिक्षक द्वारा आकलन के माध्यम से आकलन को व्यापक बनाना। विद्यालय आधारित आकलन में विद्यार्थी, कक्षा और शिक्षक तीनों सम्मिलित रहते हैं। विद्यालय आधारित आकलन विद्यालय के सभी पक्षों को सम्मिलित करता है। विद्यार्थी अपने अपने कार्य का आकलन स्वयं करके अपने ज्ञान को बोध और कौशल में बदलते हैं। आकलन का सकारात्मक विवरण अंकित करके विद्यार्थी में आत्मविश्वास को बढ़ाना। विद्यार्थी के सकारात्मक पक्षों का विवरण अंकित करने से विद्यार्थी के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है तथा वे और अच्छा करने की ओर प्रेरित होते हैं। विद्यालय आधारित आकलन निम्न प्रकार से शिक्षकों की सहायता करता है। नंबर एक, विद्यार्थी की शैक्षिक प्रगति का सतत अवलोकन करने में। नंबर दो, विद्यार्थी कितना बेहतर ढंग से सीख सकता है इसे जानने में। यदि किसी शिक्षण योजना के उपरांत कक्षा में परिणाम आशानुकूल नहीं है तो शिक्षक अपनी शिक्षण रणनीति को परिवर्तित कर सकता है। नंबर तीन, विद्यार्थी में सुधार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिक्रिया देने में। इस क्रम में शिक्षक सतत विद्यार्थी की प्रगति और कार्यों का अवलोकन करते हैं तथा उचित समय पर उचित प्रतिक्रिया देकर विद्यार्थियों को सही दिशा में अग्रसारित करते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आकलन विद्यार्थियों की तुलना या श्रेणीकरण के लिए नहीं है, आकलन श्रेणीकरण से हटकर है। आकलन का विद्यार्थी पर प्रभाव। विद्यालय आधारित आकलन विद्यार्थी की क्षमताओं को साझा करता है, सर्वप्रथम उसके शिक्षक के साथ, दूसरा उसके साथियों के साथ, तीसरा विद्यालय प्रबंधन के साथ। विद्यालय आधारित आकलन विद्यार्थी की क्षमताओं और सीखने को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है। विद्यालय आधारित आकलन यह दर्शाता है कि विद्यार्थी क्या क्या कर सकता है, अर्थात विद्यार्थी की क्षमता कहाँ तक है। विद्यालय आधारित आकलन बच्चे में सीखने के लिए आवश्यक सुधार के बारे में जानकारी दे सकता है। रिकॉर्डिंग तथा रिपोर्टिंग के चरण। नंबर एक, शिक्षण अधिगम नीतियों का चयन। शिक्षक अपने साथी शिक्षकों के साथ चर्चा करके बच्चों को वास्तविक अनुभव प्रदान करने के लिए योजना बनाएं। मौसम और अन्य बाधाओं का ध्यान रखें।
कक्षा को 5-6 समूह में विभाजित करें, बच्चों को निर्धारित भ्रमण के बारे में बताएं तथा उन्हें स्वयं को व्यक्त करने का अवसर दें। नंबर 2, विद्यार्थी से खुलकर बात करें। बच्चों से खुलकर बात करें, उनके अनुमान आधारित प्रश्नों को सहजता से स्वीकार करें तथा उन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए सही उत्तर को प्राप्त करने में बच्चों की सहायता करें। बच्चों के अपने अनुभवों से शिक्षक अपनी शिक्षण रणनीति में बदलाव करें। नंबर 3, वास्तविक अनुभवों के लिए योजना बनाएं। शिक्षक वास्तविक अनुभवों से बच्चों को परिचित कराएं, जैसे पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पौधों के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका बच्चों को किसी पास के स्थान की यात्रा कराना है। गणित की कक्षा में क्षेत्रफल का परिचय कराने के लिए फार्मूला बताने की बजाय बच्चों से किसी आकृति में वर्गाकार टाइल भरवाने का कार्य किया जा सकता है। नंबर 4, प्रत्येक समूह को कार्य सौंपे। भ्रमण के दौरान बच्चों के समूह बनाएं तथा उन्हें अलग अलग कार्य सौंपे। बच्चों को कार्य पुस्तकों का वितरण करें, जिसमें अवलोकन की तालिका तथा सूचनाओं की रिकॉर्डिंग की जा सके। बच्चे यदि अधिक कार्य करना चाहें तो उन्हें करने दें। निरीक्षण के दौरान बच्चों को आवश्यक सावधानियों के बारे में जानकारी दें तथा किसी सामग्री का अपव्यय न होने देने के लिए सुझाव दें। नंबर 5, बच्चों के अपने अनुभवों को रिकॉर्ड करने में मदद करें। रिकॉर्डिंग तालिका में मानदंड बिंदुओं को यदि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो उनकी सहायता करें। जो बच्चे अपने अनुभवों का रिकॉर्ड करने में सहज नहीं है, साथी बच्चे उनकी सहायता कर सकते हैं। शिक्षक साथियों, भ्रमण के दौरान बच्चों के लिए एक रिकॉर्डिंग तालिका का प्रारूप आप देख रहे हैं, जिसमें बच्चे अवलोकन करके विभिन्न चीजों के बारे में, विभिन्न तथ्यों के बारे में अपनी जानकारी रिकॉर्डिंग पत्र पर अंकित कर सकते हैं। अनुवर्ती कक्षा गतिविधियां। शिक्षक साथियों, इस भाग में हम भ्रमण के उपरांत कक्षा के अंदर किए जाने वाले कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम समझ चुके हैं, बच्चों को स्व अधिगम की ओर ले जाना आकलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भ्रमण के उपरांत कक्षा में शैक्षिक भ्रमण पर चर्चा करें। नंबर 2, प्रत्येक बच्चे को कक्षा में भाग लेने का अवसर दें। नंबर 3, प्रत्येक समूह का विवरण साझा करें। नंबर 4, शिक्षक अपनी डायरी में प्रत्येक समूह के अनुभवों को लिखें। नंबर 5, कम समय में कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण प्रदर्शित करने वाले छात्रों की सराहना करें तथा अधिक समय लेने वाले छात्रों को उच्च स्तर तक लाने के लिए लगातार प्रयास करें। अध्याय पूरा होने के बाद आकलन। शिक्षक साथी, पाठ के अधिगम उद्देश्यों का चयन कर आकलन करने के लिए योजना बनाएं। हम बच्चों को निम्न प्रकार के कार्य दे सकते हैं, जिससे कि हम उनका आकलन कर सकें। प्रेक्षण, मौखिक अभिव्यक्ति, बनाओ और करो, प्रश्न पूछना, अनुभव साझा करना, कागज पेंसिल परीक्षा, परियोजना अर्थात प्रोजेक्ट वर्क, सर्वेक्षण, यात्रा। आकलन के लिए पर्याप्त समय का प्रबंधन करना शिक्षक साथियों का महत्वपूर्ण दायित्व है। अध्याय पूर्ण होने पर शिक्षक साथी बच्चे के नाम के आगे उसकी दक्षताओं को अंकित करेंगे। एक तिमाही के बाद सीखने का आकलन। शिक्षक साथी 3 माह के समय के बाद अध्यायों और उनके उप विषयों को पूर्ण करने के बाद व्यक्तिगत और समूह गतिविधियों के माध्यम से अवधारणाओं और मुद्दों के लिए आकलन करें। इस आकलन का प्रारूप निम्न प्रकार से हो सकता है: अवधारणा और मुद्दे, आकलन की रणनीतियां, सीखने के प्रतिफल। प्रत्येक अवधारणा और प्रत्येक बिंदु के लिए हम आकलन की अलग अलग रणनीतियां अपना सकते हैं। विषयवार विवरण। शिक्षक साथी विद्यार्थी की विषयवार प्रगति अंकित करने के लिए एक विवरणिका तैयार करें, जिसमें विद्यार्थी का नाम, कक्षा, शारीरिक स्वास्थ्य और अन्य सामान्य जानकारियां अंकित की जा सकती हैं। प्रत्येक विषय में 3 बिंदुओं की मापनी पर समय अंतराल के पश्चात बच्चे की प्रगति का आकलन अंकित करें, जैसा कि आप सामने दिए गए प्रारूप में देख रहे हैं। शिक्षकों के मध्य चर्चा के बिंदु। शिक्षक समूह में चर्चा के माध्यम से निम्न बिंदुओं पर अपनी समझ स्पष्ट और विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं। नंबर 1, तनाव और भयमुक्त वातावरण में सीखने के लिए छात्रों को सक्षम करने के लिए विद्यालय आधारित आकलन का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है।
शिक्षण अधिगम के साथ आकलन को एकीकृत करना, जो कि विद्यालय आधारित आकलन का प्रमुख उद्देश्य है। समावेशी वातावरण में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन करने की रणनीतियां शिक्षक समूह में चर्चा करके बनाएं। शैक्षिक प्रशासन के महत्वपूर्ण संसाधन व्यक्ति जैसे महानिदेशक महोदय, सचिव महोदय, जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी महोदय, ARP तथा शिक्षक संकुल अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन किस प्रकार करें कि शिक्षक प्रभावी ढंग से प्रत्येक बच्चे को सिखाने तथा उनमें सृजनात्मक सोच विकसित करने में सक्षम हो। गुनगुन।